सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ऑफ स्पेड्स में। देखिए अभी तक हमने जो टॉपिक क्लियर किए हैं लगभग ऑलमोस्ट हम बेसिक पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन सीख चुके हैं, बट कैलकुलेशन को एक स्पेसिफिक तरीके से कैसे करा जाए ताकि हम आंसर को बिल्कुल ठीक तरीके से निकाल सकें, आज हम वो टॉपिक सीखेंगे और कल से अब हम अपने बुक के क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वी बोर्ड मासिस, लगभग हम सब पढ़ चुके होते हैं छोटी छोटी क्लासों में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वी बी ओ डी एम ए एस, देखिए इसका यूज क्या है, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें कुछ ऑपरेटर्स दिए होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमें इनका किस तरह से यूज करना है, किस तरह कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है वो हमें सीखना है, तभी हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट और अच्छी कर सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमें जो हटाना है किसी भी नंबर का, वो सबसे पहले क्या हटाना है, बार। देखिए बार होता कैसे, कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया है जैसे 5-6 लिखा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। देखिए यहां तो आपको दिख गया कि हाँ यहां ब्रैकेट है, बट अगर ये बार हमारा इस तरह से दिया होता 6-5 ब्रैकेट सॉरी बार, तो इस बार का मतलब आप ये हमेशा समझना कि ये ब्रैकेट में है। अगर ये नंबर लिखा हुआ था 5-3-4 तो बार है हमारा इनके ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि 3 और -4 को ब्रैकेट में रख देना, फिर इसे सॉल्व करना है और जो भी आए उस तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है हमारे सेकंड आता है ब्रैकेट्स। देखिए ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होती है उन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, ये हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। ऑफ ऑफ में देखिए हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बच्चे लगभग क्या करते हैं अगर डिवाइड है और वहां पे ऑफ भी दिया है तो बच्चे पहले डिवाइड कर देते हैं और ऑफ वाली मल्टीप्लाई को बाद में करते हैं, क्योंकि उनके वो लोग ये सोचते हैं कि मल्टीप्लाई है हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड के बाद होगा, लेकिन नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो वो हमें पहले सॉल्व करना है। ऑफ के बाद आता है डिवाइड, इसका मतलब क्या करना है, हमें भाग देना है। फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करनी है। एडिशन आता है, इसके बाद हमें ऐड करना है, और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले बार हटाइए, ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए, अगर ऑफ दिया है तो पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई करिए नंबरों की, उसके बाद डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, फिर एडिशन करिए और फिर सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए अब इसी फॉर्मूले पर डिपेंड जितने भी हमारे क्वेश्चन है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 475+950 का 64% इज इक्वल्स टू 900+x। देखिए यहां पर आपको का दिया है, यहां का है, का मतलब है हमारे लिए ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सिंपली बोलेंगे मल्टीप्लाई, तो 950 × 64/100 इज इक्वल्स टू 900+x मल्टीप्लाई 64/100, क्योंकि 64% का मतलब / 100। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को शॉर्ट आउट करेंगे, पहले सबसे पहले जीरो से हमने जीरो कैंसिल किया, 5 × 2 = 10, 519 × 95, 2 से इसे शॉर्ट आउट किया 32 टाइम्स, हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आई, 475+19 × 32 इज इक्वल्स टू 900+x। देखिए अब आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में ये सिखाया था कि 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हमें करनी है तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसे ब्रेक कर लेते हैं, 20-1 × 32 इज इक्वल्स टू 900+x, 475+32 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 64 ऐसे ही आ जाएगा, -32 इज इक्वल्स टू 900+x। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप बोलोगे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 900 का तो कोई वर्क ही नहीं है उधर रहने का, उसे इधर ले आओ, 475+640-32, अगर कोई भी ऑपरेटर इक्वल्स टू के इधर प्लस में है तो दूसरे साइड आकर माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो अपने दूसरे साइड आकर वो प्लस में हो जाएगा, -900 = x। अब देखिए ये दोनों प्लस वाले ऑपरेटर हैं, तो प्लस वाले ऑपरेटर प्लस कर दीजिए, 5, 7 और 4 11, 6 और 4 10 और कैरी 11, माइनस
932, क्योंकि दोनों माइनस के नंबर है और दोनों ही प्लस हो जाएंगे और ऑपरेटर हमारा माइनस का ही रहेगा। माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 11 में से 3 को माइनस किया 8, 10 में से 9 को माइनस किया 1, हमारा आंसर कितना आया, एक्स की वैल्यू 183। आप समझ पाए इस बात को कि हम का यूज किस तरह से करें और टू डिजिट की मल्टीप्लाई किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इसका मतलब 350/100, क्योंकि 300%, 350%। अब एक बात याद रखना कि अगर का है और डिवाइड है तो सबसे पहले हमें का वाली मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड अभी नहीं करना। प्लस 248 = 591, इन्हें शॉर्ट आउट करिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 10, 5 7 35। शॉर्ट आउट करने के बाद आप बोल रहे होंगे कि ये आ रहा है हमारा 7/2x। देखिए अब यहाँ पर अगर ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं, उसका ऑपोजिट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और जब इसका ऑपोजिट करेंगे तो इस नंबर को भी ऑपोजिट कर लेंगे, यानी कि 1/50। आप बात को समझ पाए, प्लस 248 = 591। अब क्या करेंगे हम, 248 को इधर ले जाएंगे, 7/100x मल्टीप्लाई 591 - 248, इन्हें शॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो इनका आ रहा होगा 343। तो आप बोल रहे होंगे 7/100 = 343, और जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा हमारा 49। अब आप बोल रहे होंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 49 × 100, मतलब 4900। आप बात को समझ पाए, यह है हमारे क्वेश्चनों को करने का तरीका, किस तरह से हमें अपनी ट्रिकों को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को करते चले जाना है बिना रुके। आप बात को समझ पाए, चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, हमारे फॉर्मूले, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है फॉर्मूला। देखिए अभी तक जो हमने टॉपिक क्लियर किए हैं वो सब हमारे बेसिक थे, मल्टीप्लाई में हमने सीखा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करें, बट वो ये हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई कैसे करें क्वेश्चनों को वो अप्लाई करने वाला, और फॉर्मूले इनसे क्या होगा हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो चलिए आज फॉर्मूले ही सीखते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट का टॉपिक फॉर्मूला, वैसे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है हमारा, हम लोग सभी फॉर्मूले पहले पढ़ चुके होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा तो आप सिंपली बोल रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर आपसे बोला जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा तो आप सिंपली बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट आपको अब एक बात और याद रखनी है कि अब हमारे लिए इतने इजी इजी फॉर्मूले नहीं आने वाले, अब हमारे लिए थोड़े फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। कैसे, अब वो क्या करेगा कि a प्लस बी को जोड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए आया कैसे, इसे ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप इन्हें शॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 2ab और प्लस 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब आप जब यहां पे क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो यहां से 2 को मान ले रहे होंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर आ रहा होगा, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी तक क्या था यहां पे, ऑपरेटर प्लस था, अब ऑपरेटर क्या आ जाएगा माइनस। चलिए इसका आंसर जो हम देते हैं वो होता है 4ab। जब हम इसे शॉर्ट आउट कर रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, शॉर्ट आउट करने के बाद जब हम माइनस की मल्टीप्लाई आगे कर रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4ab। आप बात को समझ पाए,
चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी। एक और फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे याद रखने का फिर से सिंपल तरीका, ये सारे ऑपरेटर माइनस के होंगे तो ये सारे ऑपरेटर प्लस के होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। अब एक और फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए माइनस बी के क्यूब में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहला ऑपरेटर माइनस का, बाकी सारे ऑपरेटर प्लस के। एक फॉर्मूला आता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसमें क्या होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर हमारा माइनस आ जाता है। आप बात को समझ पा रहे हैं, चलिए और फॉर्मूलों की ओर आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हम क्या कर रहे होंगे इसे थोड़ा और अच्छी तरह से लिखने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सभी में से टू कॉमन ले रहे होंगे, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। आप बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करना है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो हमारा मोस्टली बहुत रेयरली पता होता है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखिए एक फॉर्मूला तो होता ही है, बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। अब ये कैसे हुआ, अब एक बात आप सोचिए कि ए बी और सी की वैल्यू, सपोज मैं ए की वैल्यू मान लेता हूं फोर, बी की वैल्यू मैंने मान ली फाइव, सी की वैल्यू मैंने मान ली माइनस नाइन। अब इन तीनों को हमने प्लस किया, ए प्लस बी प्लस सी, फोर प्लस फाइव प्लस नाइन, तो आप इन्हें शॉर्ट आउट कर रहे होंगे, फोर प्लस फाइव और प्लस प्लस माइनस माइनस नाइन, तो नाइन माइनस नाइन आप बोल रहे होंगे जीरो। तो जब ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम जीरो रखेंगे तो ये भी हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड जब यहां पे जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इससे उठाकर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री ए बी सी। आप बात को समझ पाए, ये था हमारा पूरा का पूरा, एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले पूरे बेसिक्स। बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, अपना नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने अच्छी तरह से क्लियर किया, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब कल से हम क्या करेंगे, अब कल से हम बुक के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे अपने नंबर सिस्टम के धीरे धीरे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग जुड़ें, और ताकि कल से हम जब हम अपनी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू।